फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाते, लेकिन क्योंकि इस समय भारत में फिर दोबारा से लॉकडाउन को लगाया जा रहा है और जगह जगह पर कई तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पिछले एक साल से बंद करके बैठी हुई है और इसके साथ साथ डोमेस्टिक उड़ानों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाने के ऊपर बात की जा रही है। सबसे पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को देखें और आप इस वीडियो को देख कर ये बताएँ कि क्या सच में भारत में कोरोना वायरस है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये केरला से आई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली के दौरान देखे गए हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वहां पर इकट्ठा किया गया है। सच्चाई इस समय भारत की, और यहाँ पर हमारी भारत सरकार चुनाव के टाइम पर इतनी बड़ी रैली का आयोजन करती है और इस चुनाव के समय में कोई भी कोरोना वायरस सामने नहीं आता, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद भारत सरकार को कोरोना वायरस और लॉकडाउन की याद आ जाती है। ये एक राज्य की बात नहीं है, हर राज्य में ऐसा ही हो रहा है। जहां पर भी चुनाव भारत सरकार को करना होता है उस समय लॉकडाउन को हटा दिया जाता है और उसके बाद फिर दोबारा से लॉकडाउन को लगा दिया जाता है। यहां पर लोगों के ऊपर तरह तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए जा चुके हैं और लोगों के व्यापार ख़त्म हो चुके हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स, टूरिस्ट प्लेसेस, इन सभी चीज़ों को बंद कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी है केवल और केवल लॉकडाउन के कारण। हम इस वीडियो के माध्यम से केवल आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी भारत सरकार जो है वो बिल्कुल भी इस समय हम लोगों के साथ अच्छा नहीं कर रही। या तो उसको पूरे तरीके से लॉकडाउन लगाना चाहिए या फिर पूरे तरीके से लॉकडाउन को हटा देना चाहिए।